हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो. प्रभाव मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग बातचीत करेंगे एक ऐसे विजन पर, एक ऐसे स्वप्न पर जो स्वप्न कहीं ना कहीं आपकी एक ऐसी यात्रा को संपन्न करेगा, एक ऐसी यात्रा को आगे लेकर के चलेगा कि आप अपने लक्ष्य तक आसानी के साथ पहुंच जाएंगे. तो आज हम लोग बातचीत करेंगे अपने इस वीडियो में सपने देखो क्रांतिकारी. आपके सामने देख सकते हैं क्या है, सपने देखो क्रांतिकारी. मैं दो तीन बार इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा इस पर गौर करिएगा. सपने देखो क्रांतिकारी, सपने देखना है और कैसे देखना है क्रांतिकारी, क्योंकि अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्रांतिकारी विचार धारण करना पड़ेगा. अब मैं यहीं पर एक दो बातें बताऊंगा कि मेरे वीडियो का विषय क्या है. तो देखिए, ये सपने देखो क्रांतिकारी क्यों मैं बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपके पास 800 अराउंड एवरेज सीट रहती है, और इस 800 सीट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 300 से 400 बच्चे, ठीक है, एक रफली आइडिया के अनुसार ये जो सेलेक्ट होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करता, ये अगली बार अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इनकी लोअर रैंकिंग होती है और इन्हें आईएएस आईपीएस चाहना, मतलब ये आईएएस आईपीएस चाहते हैं. प्लस बेटा, इसी में से जो बच्चे 800 में इंटरव्यू दे करके 1000 से 1500 बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू में फेल हो चुके होते हैं, अब इनमें से 1000 बच्चा भी ले तो अगली बार फिर ये इसी 800 सीट के लिए क्या करता है, अटेम्प्ट करता है. अब आपके पास देखिए कि सीटें हैं 800, ध्यान करिएगा, और कैंडिडेट कौन, 300 से 400 में, चलिए 300 ले लेता हूं, ये जो सिलेक्टेड बंदा है एस लिख देता हूं, और इसके बाद जो 1000 बच्चा, चलिए मैं 1000 लेता हूं, यह जो इंटरव्यूअर बच्चा है यह भी है, तो यानी 1300 बच्चे वो बच्चे हो गए जो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में जबरदस्त रूप से लगे हुए हैं. अब इनको आपको क्या करना है, बीट करना है और अपना स्पेस बनाना है. इस कठिन कंपटीशन में आप देख रहे हैं उन्हीं बच्चों से आपकी फाइट होगी. आप कभी भी अटेम्प्ट लेंगे, यही साइकिल लगातार चलता रहेगा. इसीलिए मैंने आज का विषय आपके लिए रखा है सपने देखो क्रांतिकारी, क्योंकि इस 800 के अंदर आना, विशेषकर आईएएस प्रॉपर आना, यानी आईएएस प्रॉपर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रांतिकारी ढंग से सपने देखने होंगे और तभी जा करके वो पूरे होंगे. इसी विषय वस्तु पर आज हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं. अंत तक बने रहिएगा, संक्षिप्त बातचीत होगी पर मारक होगी, प्रहारक होगी, अंदर तक आपको झंझोड़ेगी और आपको एक दिशा प्रदान करेगी जिस पर चल करके आप अपना मार्ग तय कर लेंगे. कुछ बातें पहले हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के बारे में कर लेते हैं. अपना प्लेटफॉर्म, ठीक है, अनअकैडमी प्लस, जैसे हम लोग यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं फ्री, किस पे, यूट्यूब चैनल अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर, और वैसे ही हम लाइव कोर्स हमारे प्लस अनअकैडमी प्लस कोर्स में लाइव आपको पढ़ाते हैं और बहुत ही मिनिमम शुल्क पर, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऑप्शनल के साथ सभी विषय कंप्लीट कराए जाते हैं, और 12 महीने का जो कोर्स है उसकी फीस मात्र 35,000 रुपए. कंपेयर करिए ऑनलाइन ऑफलाइन, आप छोटे शहर में रहते होंगे तब भी, चाहे अच्छी फैकल्टी हो ना हो, 35,000 से कम तो फीस कोई लेता ही नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ और मैं किसी टीचर के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, सब अपने अपने आप में अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, बस मैं केवल अपने प्लेटफॉर्म की उपयोगिता की बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए आपको यह बातें समझा रहा हूँ. तो आप देखें, और अगर आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करते हैं एसके लाइव, तो क्या होने वाला है, तुरंत 10% डिस्काउंट के साथ यही 35,000 की फीस 31,500 रुपए में हो जाएगी. आप ध्यान करिएगा, 31,500, एक वर्ष की कोचिंग, उसमें ऑप्शनल भी शामिल अगर आप हिंदी साहित्य तो ऑप्शनल रखते हैं. 1 अक्टूबर से मैं क्लास प्रारंभ कर रहा हूं, आपका स्वागत करता हूं, आप एनरोलमेंट स्टार्ट कर दें और आप देखें 31,500 में आपको ना केवल क्या मिलने वाला है, हिंदी साहित्य मिलने वाला है, अभी तो इसके अलावा एथिक्स अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज और अभिव्यक्ति के सुनील अभिव्यक्ति सर यानी मुझसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एथिक्स भी मुझसे पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वो भी 31,500
500 में ही मेरे कोड के साथ, वैसे तो 35,000 होगी मेरे कोड के साथ। इसका मतलब आप देख सकते हैं यह प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा कोर्स आपको, और इसके अलावा जो और बचा वह बचा ढेर सारे एजुकेटर्स हैं, आप उनके साथ पढ़ेंगे, 80 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, ध्यान करिएगा। और इसके पश्चात 2 वर्ष का यह कोर्स अगर आप लेते हैं, जो नए बच्चे हैं या जो लंबे समय तक अपने आप को आईएएस के साथ कनेक्ट रखना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी के साथ, तो 2 वर्ष का लें और मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 50,400 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट, 2 वर्ष तक 50,400। तो मत चूको चौहान, आइए और इसको क्या करिए, प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करिए, इससे बेटर ऑफर नहीं मिलने वाला है। दिल्ली के टीचरों से आप पढ़ना चाहते हैं, सभी के अंदर यह रहता है, क्योंकि हम लोग जैसे इलाहाबाद वगैरह पढ़ाने गए तो एक मैंने देखा कि क्यूरोसिटी रहती है कि दिल्ली मुखर्जी नगर के जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट पे करते हैं। तो मैं खुद इलाहाबाद गया और मुझे बड़ी तकलीफ रही कि लंबा टाइम मैं उन लोगों के साथ नहीं बिता पाया, मुझे अंदर से तकलीफ रही, और ढेर सारे बच्चे कनेक्ट हुए, बड़े संस्थान में मैं गया था। तो अब वो बच्चे अगर चाहते हैं कि बेस्ट ऑप्शन के साथ, तो अपने घर में बैठ करके आप प्लस कोर्स पे आए, मैं आपके साथ यूट्यूब पर लाइव रहूंगा फ्री, सुबह 9 बजे करंट अफेयर्स में, दोपहर 2 बजे वीकली जो मंथली मैगजीन्स होती है, योजना कुरुक्षेत्र और अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज की जो मेरी मैगजीन है उसको लेकर के, और हिंदी साहित्य को लेकर के, एक सामान्य समझ हिंदी साहित्य को कैसे समझें, कैसे यूपीएससी के द्वारा पूछे गए आंसर्स को लिखें, तो आप सभी बच्चे यहां पर आकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग आसान है, आपको गूगल पे जाना है, बहुत आसान है, चाहे आप गूगल जाएं, अनअकैडमी प्लस डालेंगे सबसे पहले निकल के आएगा, और इसके बाद अगर आपको और आसान चाहिए तो जैसे आप अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर से ना जाने कितने ऐप रखते हैं आप, वैसे ही एक ऐप आप रख लीजिएगा, अनअकैडमी ऐप, और वही ऐप आप जाएंगे, जैसे ही आप डालेंगे प्लस कोर्स आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आते ही पूछेगा रेफरल कोड, रेफरल कोड में आपने डाल दिया एसके लाइव, यानी मैं 10% आपको डिस्काउंट, आपने अपनी डिटेल भरी, तुरंत कंफर्मेशन आपके पास आपके मोबाइल पे आ गई कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद आप तुरंत आपकी 24 घंटे की एक्सेस है। ऑफलाइन क्लास में कितने घंटे की एक्सेस है, जब तक कोचिंग करते हैं 2-3 घंटा जब तक जाते हैं, यहां क्या है 24 घंटे, आप दोबारा तिबारा चौबारा अगर समझ में नहीं आया तो हमारे लेक्चर्स पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। आज देखिए सपने देखो क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ मैं अपनी बातचीत प्रारंभ करना चाहता हूं, ये आदर्श हैं सभी के, आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, हर युवा के हैं, कि अपना जीवन इस देश के लिए एक युवा उम्र में ही बलिदान कर दिया, होम कर दिया, ध्यान रखिएगा, बलिदान कर दिया, होम कर दिया, किस लिए, कि एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके, एक स्वाधीन भारत का निर्माण हो सके, इस स्वप्न के लिए एक व्यक्ति ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम ऐसे महापुरुष को नमन करते हैं और आज इन्हीं के एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए आपको यह बताएंगे कि सपने किस प्रकार से देखें, या क्रांतिकारिता अपने अंदर एक जबरदस्त चेंज किस प्रकार से लाएं। यहां क्रांतिकारिता का अर्थ आप नकारात्मक मत लीजिएगा, क्रांति का अर्थ वास्तव में जिनको अच्छे से समझ है, क्रांति का अर्थ होता है आमूल चूल बदलाव, यानी आज मैं बातचीत करने वाला हूं कि वह सपने देखें जो आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर दे, जैसे आप आज हैं तो अपने गुणों को रखें पर जो कमियां हैं उनको आप दूर कर दें, और 1 वर्ष तक 2 वर्ष तक हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके क्या करें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब देखिए आज मैं सपने देखे क्रांतिकारी में क्या लेके आया हूं आपके लिए, ये हैं आप और हम, ठीक है ना। अभी क्या है, डाउट है यार, यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यार ऐसा करते हैं चले पहले पीसीएस कर लेते हैं, यार पीसीएस, तब तक किसी ने उधर से आवाज मारी, अरे चाहे उसी समय मारी, चाहे कुछ दिन के बाद मारी, या पहले मारी हुई थी आपको याद आ गई, यार ऐसा करते हैं बीएड कर लेते हैं, जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, सीटेट कर लेते हैं, मतलब अब आप देखें, फिर तब तक अरे यार मेरा मैथ तो अच्छा है, एसएससी कर लेते हैं, लाइफ को सिक्योर कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हम बचना चाहते हैं, लाइफ सिक्योर कर लेते हैं, जैसे ही देख सकते हैं आप यहां क्या है, क्वेश्चन क्लियर ही नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट नहीं है, बने बनाए ढर्रे पर आप
चलना चाहते हैं, आज का विषय यही है, उस बने बनाए ढर्रे को आप छोड़े, सपने देखो क्रांतिकारी। कैसे? अभी आपने मूवी देखी होगी मिशन मंगल। मिशन मंगल भारत का एक ऐसा मिशन मंगल ग्रह के लिए, जो भारतीयों, प्रत्येक भारतीय, आप में, मुझ में, क्या अमीर में, क्या गरीब में, क्या पढ़े में, क्या अनपढ़ में, सभी के लिए गौरव का स्रोत रहा, सभी के लिए गौरव। जब मंगल गया तो हमारे जो प्रीमियर हैं उन्होंने विदेश में जाकर के कहा कि जितने में हॉलीवुड की एक फिल्म बनती है उतने में हमने मंगल भेज दिया, इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। यानी कि ये प्राउड का मूवमेंट था। अब आप देखिएगा इधर क्या है, मिशन मंगल है, प्राउड का मूवमेंट है, और इधर क्या है, हम कंफ्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट। अब आप सोचिए कि मिशन मंगल कैसे कंप्लीट हुआ होगा, तो आइए हम लोग इस फिल्म की कुछ पंक्तियों से देखते हैं कि कैसे कंप्लीट हुआ होगा, और इधर हम हैं जो चिंता में है आईएएस करें कि पीसीएस करें, या दुनिया में कुछ ऐसा कर लें कि बस नौकरी मिल जाए। नौकरी की मानसिकता और आईएएस, दोनों में अंतर है। आईएएस आपसे बहुत कुछ अलग चाहता है, नौकरी के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर आईएएस बनना है तो आपको क्रांतिकारी सपने देखने पड़ेंगे, जैसे मिशन मंगल के समय हमारे वैज्ञानिकों ने देखा था। पहली बातचीत मिशन मंगल को लेकर के आपके अंदर एक बड़ा बदलाव लाने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर, आइए अब हम लोग देखते हैं। डायलॉग होता है, कहानी आगे बढ़ती है, और कई उतार चढ़ाव के बाद क्या आता है कि अक्षय कुमार का एक स्टेटमेंट है, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें अपने आप को साइंटिस्ट कहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब ऐसा साइंटिस्ट उसके हाथ में नेतृत्व था, ऐसे व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व था जिसने यह मान लिया कि अगर हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो साइंटिस्ट ही नहीं है। इसका मतलब उनको समझ थी कि बगैर एक्सपेरिमेंट के हम मंगल तक नहीं पहुंच सकते, और आप सेफ लाइफ चाहते हैं तो सेफ लाइफ एक्सपेरिमेंट के बिना बहुत बड़ा डायमेंशन लाइफ का तय नहीं कर पाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपेरिमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, यही है क्रांतिकारिता को प्राप्त करने का, पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र। फिर देखिए उसी में क्या आ जाता है, एक डायलॉग और आता है, पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, याद करिएगा, इसरो, ये वो कहते हैं इंपॉसिबल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉसिबल कहा जाता है कि इंपॉसिबल को भी एक पॉसिबल करके रहेगा, ध्यान करिएगा। यानी कि कोई भी काम असंभव नहीं है, आपको बस सोचना होगा, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, जैसे पहले अरे भाई ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, यार कोई दुकान ही खोल ले, नहीं, इम्पॉसिबल आपकी थिंकिंग में ये होना चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर इसके बाद क्या होता है, वहीं पर स्टेटमेंट आता है, द ड्रीम दैट कैन बी अ रियलिटी, स्वप्न सच्चाई में परिवर्तित होते हैं, हो सकते हैं, कैसे, कि जब आप इम्पॉसिबल पर विचार करना, असंभव पर विचार करना, यानी आपको लगे कि मैं छोटे से शहर में रहता हूं या मैं रहती हूं, ठीक है, मेरे पास आर्थिक संसाधनों की कमी है और मैं आईएएस नहीं बन सकती हूं, मैं छोटी नौकरी करके और अपना जीवन गुजारूंगी क्योंकि अब हमारे भाग्य में नहीं है, तो भाग्य को ढूंढने वालों के लिए यह पृथ्वी क्या है, नौकरी ही प्रदान करती है, और जो भाग्य से आगे का विचार करते हैं, कर्म पर, एक्सपेरिमेंट पर, इनोवेशन पर, वह पृथ्वी उनका स्वागत करती है, वो कहती है इस धरा पर जो कुछ भी है सब आपका है, ध्यान करिएगा कि इस धरा पर जो भी है वह सब आपका है, जो उद्यमी होता है, जो हार्डवर्किंग होता है, जो इनोवेटिव होता है, तो पृथ्वी उसको सब कुछ प्रदान करती है, वो भाग्य पर विचार नहीं करता, भाग्य धक्के मारती, वो भाग्य को और कस के धक्के मारता है कि हे भाग्य अगर तुम मुझे धक्के मारोगी मैं तुम्हें और पीछे धक्का मारूंगा, और इस धक्के की लड़ाई में एक दिन भाग्य भी, चूंकि भाग्य क्या है, प्रकृति है, ईश्वर है, मुस्कुराएगा कि यार ये गजब का जिद्दी व्यक्ति है या यह गजब का जिद्दी पर्सनालिटी है, अब हमें इसके साथ आकर के खड़ा हो जाना चाहिए था, और जैसे ही खड़ा हुआ आप अपने लाइफ में सबसे उच्च पायदान पर पहुंच गए, यह ध्यान रखिएगा। तो यही है, द स्काई इज नॉट द लिमिट, आसमान सबका है, आप पूरे पूरे आसमान में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसी आसमान को स्थापित करने की रणनीति के साथ अब मैं दूसरी पर्सनैलिटी यहां लेकर के आया हूं, जो आपको क्रांतिकारिता, आपके बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करेगा, और वह पर्सनालिटी है एलन मस्क।
एलन मस्क एक ऐसी पर्सनालिटी, इनके बारे में आपको पता होगा एलन मस्क क्या करते हैं, ये सब कुछ हैं, उद्यमी भी हैं और ये फ्यूचर ओरिएंटेड उद्यमी हैं जो रॉकेट साइंस से लेकर के ऑटोमोबाइल सभी जगह पर ये नए नए इनोवेशन करने के लिए और विख्यात हैं और विश्व के सबसे ताकतवर लोगों की सूची में ये शामिल हैं, अंडर 25 इनका स्थान है, आप ध्यान रखिएगा एलन मस्क। एलन मस्क की खूबसूरती क्या है, ये दूर दृष्टि रखते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना है तो आपको दूर दृष्टि रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है, यानी दूर दृष्टि का मतलब आगे की तरफ सोचना है, यानी कि कहीं ये नहीं कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, भविष्य लक्ष्य होना पड़ेगा आगे की तरफ, और सीमा रहित सोच, ऐसी सोच जिसकी कोई सीमा ना हो, करना है तो करना है, असफल भी हुए तो अभी एक तीसरी पर्सनालिटी आ रहे हैं चाणक्य। चाणक्य ने कहा चंद्रगुप्त से कि ऐसी असंभव योजनाओं की कल्पना करो, समझ रहे ना, जो योजनाएं होती हैं असंभव की कल्पना करो, जिससे अगर असफल भी हो तो यह गर्व हो कि मैंने वह कल्पना करी जो सामान्य मानव की सोच के परे थी। तो ध्यान रखिएगा इन्होंने ऐसा ही किया और विजन करके भविष्य का नियंत्रण कर लिया, थोड़े टाइम बाद ये अंतरिक्ष में मानव को बसाएंगे, वहां पर घर बनाएंगे, ये वहां पहुंच गए और हम यहां अभी अपना ही घर नहीं बना पाए हैं। आप विचार करिए, एक इंसान अंतरिक्ष पे, हम ही लोगों में से एक इंसान अंतरिक्ष पे घर बनाने की सोच रहा, और घर बनाने की नहीं, खुद रहने की नहीं, धंधा करने की, कि हम यहां से पैसा कमाएंगे, यानी अंतरिक्ष से, हम यहां नहीं कमा पा रहे हैं, वो अंतरिक्ष में जा करके अभी से सोच रहे हैं कि हम पैसा कमाएंगे। आप विचार करिएगा, यही है सबसे सपने देखो क्रांतिकारी, ये लोग सपने देखते थे क्रांतिकारिता के, हम चेंज कर देंगे, सिस्टम को बदल देंगे, परंपरागत सोच को मजबूर कर देंगे, कि परंपरागत सोच कहीं ना कहीं काम नहीं आती है, हमें दूर दृष्टि रखनी है, भविष्य की सोच रखनी है। एक बार इनके ऑफिस में स्टोरी है ये, किसी ने इनसे कहा, इनके स्टाफ ने, यहां फाइल लिख लीजिएगा, स्टाफ ने कहा सर ये नहीं हो सकता, मुस्कुराए एलन, होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा, कितनी अच्छी पंक्ति है, होगा, जरूर होगा, सोचो कैसे होगा, यानी कि वो ट्रस्ट कर रहे थे उस स्टाफ के ऊपर कि तुम कर सकते हो, उन्होंने उसे डांटा नहीं, उन्होंने कहा कि सोचो सोचो, यही है क्रांतिकारिता, कि रास्ते बंद हो, बंद मत होने दो, और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो, फिर खुद ही कहते हैं फेलोर इज द ऑप्शन, असफलता एक विकल्प की तरह, असफलता से घबराना नहीं है, उसे एक अवसर की तरह लेना है, और वही असफलता आपको एक दिन सफलता की तरफ लेकर के जाएगी। कभी एलन मस्क पर अकेला वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अभी तो इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत, ये एक टाइम पर इनका जो कुछ भी था सब समाप्त हो गया था, ध्यान करिएगा, लेकिन एटीट्यूड कमजोर नहीं पड़ा। रॉकेट साइंस की डिग्री वाली पढ़ाई नहीं की, और पूरे रॉकेट साइंस के ये विद्वान हैं, और अंतरिक्ष में इनका पूरा का पूरा दबदबा, यानी स्पेस में इनका पूरा का पूरा दबदबा माना जाता है, इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, ध्यान करिएगा। अब देखिए तीसरी पर्सनालिटी, सपने देखो क्रांतिकारी, वो आपके इतिहास से है, और वह क्या है ये देख सकते हैं, एक गुरु और शिष्य की जोड़ी है, जिसमें ये हैं, कौन है, ये चाणक्य हैं, और इनके शिष्य कौन है, चंद्रगुप्त, यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के तो खानदान का ही नहीं पता है, अभी तक इतिहासकार सहमत नहीं है कि ये इनकी जाति क्या थी, अभी भी कहीं ना कहीं विवाद है, ध्यान करिएगा। और उनके गुरु ये संसाधन विहीन थे, और इनके सामने एक सत्ता थी, मगध का शासक नंद वंश, और उसका एम्परर कौन था, घनानंद, और आप देखेंगे कि इन संसाधन विहीनों ने क्या कर दिया, संसाधन संबंध घनानंद को हटा करके और भारत के प्रथम चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करी मगध में, कैसे संभव हुआ, तो अभी मैंने बताया उन्होंने असंभव की कल्पना करी, इतना बड़ा शासक इधर कुछ भी नहीं है, एक गुरु है, गुरु फकीर, केवल उसके पास ज्ञान, एक शिष्य, उसका अभी तक कुछ पता ही नहीं है, खानदान तक नहीं पता कोई, अब आप सोचिए एक गुरु ने कैसे उस शिष्य के अंदर सभी प्रकार के गुण भर दिए, और दोनों ने मिल करके एक असंभव, असंभव मतलब क्रांति, असंभव की कल्पना करी और मगध के शासक को परास्त कर दिया, ध्यान करिएगा। सपने देखो
क्रांतिकारी। और उसमें देखिए यहां पर मैं लेके आया हूं कि भाई क्रांतिकारिता के सपने देखो, पर कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं मार्ग दिखाता रहे। तो यहां पर मैंने आपके लिए भगवत गीता का संदर्भ लिया है। अब आप देखिए मोह माया, अर्जुन, ये अर्जुन है ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान की सीन है, कृष्ण के सामने बैठ गए और कहा कि हमसे युद्ध ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो युद्ध इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अपने लोगों पर अस्त्र कैसे चला सकता हूं, कोई मेरा पितामह है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा गुरु है, और ये सब मेरे अपने ही तो हैं। अब क्या हुआ इसका मतलब कि जब आप हारते हैं, आपको लगता है कि चीजें आपको परेशान कर रही हैं, मोह माया हो या लोभ हो या किसी भी प्रकार का आलस या किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, वैसे में फिर देखिए श्री कृष्ण ने उनको समझाया, लक्ष्य तक पहुंचाया। ऐसे ही आप लोगों को भी मेंटोर की आवश्यकता पड़ेगी क्रांति के लिए, ध्यान रखिएगा। और भगवत गीता का उन्होंने सिद्धांत क्या दिया, निष्काम कर्म योग, यानी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता मत कर, और अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो क्या होगा, लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। और यही है क्रांतिकारिता का आधार। और उन्होंने एक और बात के स्थित प्रज्ञ होकर के लक्ष्य तय कर लिया, अब अटल रहो उस पर कि अब हमें असत्य को हराना है क्योंकि तुम सत्य के पक्षधर हो। सत्य के पक्षधर कैसे? दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन से उन्होंने क्या कहा, इन भाइयों को 5 गांव जमीन दे दो, ये युद्ध नहीं करेंगे और अपना जीवन जो है गुजार लेंगे। उसने कहा सूच्यग्रम नयो दाशामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो इसका मतलब ये असत्य था। और फिर इस असत्य को परास्त करने के लिए भगवत गीता का दर्शन हमारे सामने हमारे आराध्य श्री कृष्ण लेकर के आए। तो ध्यान करिएगा क्रांति ऐसे ही आती है, आपको अपने अंदर इसी प्रकार की दृढ़ता निष्काम कर्म भाव रखना पड़ेगा, तभी आप क्रांति। अब आइए देखें थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं भाई कि सपना क्या है और क्रांति क्या है। पता तो है आपको सपना, देखिए अब ये भाई साहब सो रहे हैं, मौज ले रहे हैं पूरा, ये सपना नहीं है, ये तो मस्ती कर रहे हैं, देखिए जय जय जय, यानी कि खर्राटे आ रहे हैं इनके, ये नहीं है सपना। सपना वो जो आपको सोने ना दे, परेशान करे, विचलित करे। और वो सपना क्या है कि यार आईएएस कैसे बनेंगे, सर ने बताया था अभिव्यक्ति वाले सर ने 800 सीटों में से तो 300 सिलेक्टेड लोग ही आ जाते हैं, 300 से 400 बचे खुचे 1000-1200 इंटरव्यूअर खार खाए बैठे रहते हैं कि अगली बार छोड़ेंगे नहीं, यार हम तो अभी नए हैं, अभी हमारी तैयारी भी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है, अब हम कैसे जाएं। तो फिर क्या होगा, वही आने लगे यार पीसीएस कर लेते हैं, सीटेट कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, ना जाने क्या क्या, सब अच्छा है, पर क्या हुआ, भटक गए आप, चूंकि आपने स्वप्न ऐसे देखा जिस स्वप्न में कोई रस नहीं था, कोई ऊर्जा नहीं थी, कोई आवेग नहीं था। तो स्वप्न क्या देखना है कि आपको इस प्रकार का स्वप्न कि मैंने तो आईएएस लेना है, वो भी प्रॉपर लेना है, यह है स्वप्न, और इस हिसाब से आपको चलना है। क्रांति क्या होती है देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया आमूलचूल परिवर्तन, यानी क्रांति में आप देख सकते हैं एक समूह भी कर सकता है, एक व्यक्ति भी कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। जेपी आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन व्यक्तियों ने किया, फ्रांस की क्रांति संपूर्ण फ्रांस के नागरिकों ने किया, ध्यान रखिएगा, ये क्लियर है। तो आप सपना और क्रांति यह है। अब कुछ और प्रश्नों पर विचार कीजिए, और इन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो आपसे हमेशा मिल रहा हूं सुबह 9 बजे करेंट अफेयर्स लाइव, द हिंदू डिस्कशन, PIB डिस्कशन फॉर प्रिलिम्स एंड मेंस, और 2 बजे हिंदी लिटरेचर और विज्ञान प्रगति योजना और कुरुक्षेत्र, और प्लस अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज की मेरी मैगजीन, मैं तो मिल रहा हूं डिस्कस करने के लिए, प्लस कोर्स पे एथिक्स पढ़ा रहा हूं, 1 अक्टूबर से हिंदी साहित्य पढ़ाने वाला हूं। अब आप विचार करिए कि मैं तो आपके साथ हूं लेकिन आज कुछ प्रश्नों के साथ छोड़ जा रहा हूं, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, कभी कभी प्रश्न ही उत्तर होते हैं, गंभीरता से विचार करिएगा, समझ में आ जाएगा। आपने अपने जीवन में अभी तक क्या प्रयोग किया, विचार करिएगा, प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, मिशन मंगल वाला, क्या जो टाइम टेबल बनाया आपने ये वाला उस पर चले हैं, विचार करिएगा। क्या आपके सपने आपके अपने हैं, मतलब खुद ही आप जो चाहते हैं वो है या कोई प्रेशराइज कर रहा है आपको। क्या आप अपने सपने को जीते हैं, जीने का मतलब होता है उसमें रच बस जाना।
क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? विचार करिएगा इन प्रश्नों पर, गहराई से एक उत्तर निकल करके आएगा और वही उत्तर आपकी राह तय कर देगा। और उत्तर क्या निकलेगा, पीछे मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी हैं। उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको एक ऐसी राह दिखाएंगे कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आप क्या करेंगे, निष्काम कर्म भाव से, सफलता और असफलता से डरे बिना अपना कर्म करेंगे। और जैसे ही आप कर्म करेंगे, आप देखेंगे कि आपका भाग्य आपके साथ आकर के खड़ा होगा और आप एक नया इतिहास बनाएंगे। हिंदुस्तान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में आप अपना सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकेंगे। मिलते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में और हिंदी साहित्य की क्लास में। थैंक यू।